हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसटीपी प्लांट के कुछ क्वेश्चन आए दोस्तों कि एसटीपी प्लांट होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है, कंस्ट्रक्शन कैसे है इसका दोस्तों, और ये इसमें कौन कौन सा टर्म यूज़ होते हैं जो आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। दोस्तों इंटरव्यूअर कई बार ना क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछते हुए इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो आपको पूरा वर्किंग समझ में आना चाहिए कैसे ये काम करता है, और जिसकी वजह से आप अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन घुमाएगा भी तो आपको उसका आंसर देने आना चाहिए। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों वही बात कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक कर दो, और चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है व्हाट इज एसटीपी प्लांट, एसटीपी प्लांट होता क्या है। दोस्तों एसटीपी प्लांट अगर हम सिंपल मैं आपको समझाऊं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इसका फुल फॉर्म होता है, और जो प्योरीफाई करता है जो आपका जो वेस्ट वाटर निकलता है, मान लेते हैं कोई एक इंडस्ट्री है, ठीक है, एक केमिकल इंडस्ट्री है। अब ये जो भी वेस्ट निकल रहा है इसका वाटर, ये डायरेक्ट आपका रिवर में नहीं डाल सकता, ठीक है, रिवर में डायरेक्ट नहीं डाल सकता, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लोग भी यूज़ करते हैं, उसमें मछलियाँ हैं, उसमें जो भी पेड़ पौधे जो भी है उसका यूज़ में लिया जाता है, तो वो ख़राब हो सकते हैं, उसको इन्वायरमेंट को डैमेज होगा, जिसकी वजह से उसको ट्रीट करना पड़ेगा पहले, मतलब कि उसको प्योरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो रिवर में डाल सकता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया दोस्तों कि कोई भी, अब ये एग्जाम्पल एक बड़ा एग्जाम्पल दिया आपको, जैसे कोई प्लांट हो गया, केमिकल प्लांट हो गया या फार्मास्यूटिकल कंपनी हो गया, तो जो भी ऐसा वेस्ट वाटर जहाँ भी निकलता है तो उसको ट्रीट करना ही होगा, और ये गवर्नमेंट के भी इसमें बहुत सारे इसमें टर्म्स आते हैं, तो वो भी आपको बताऊंगा मैं। तो क्या होता है दोस्तों अगर इसको पढ़ ले तो क्या होगा, ये प्योरीफिकेशन ऑफ सीवेज वाटर एंड रीयूजिंग फॉर गार्डनिंग एग्रीकल्चर एंड अदर जनरल पर्पस। ट्रीटेड सीवेज वाटर इज प्योरीफाइड एंड मेंटेन एज पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नॉर्म्स। ये मैंने बोला दोस्तों गवर्नमेंट की जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया कि जो भी वेस्ट वाटर मतलब डायरेक्ट आप नहीं डाल सकते, उसको ट्रीट करना पड़ता है। अब क्वेश्चन आएगा ये कैसे होता है, तो अभी आपको वो भी बताऊंगा दोस्तों। उसी में एक क्वेश्चन है कि व्हाई एसटीपी प्लांट इज रिक्वायर्ड। अभी दोस्तों अभी आपको मैं बताया कि इसको रीयूज करना होता है, ठीक है, जिससे क्या होगा आपका इको फ्रेंडली होगा, ठीक है। दे हेल्प रिस्टोर द ग्राउंड वाटर बैलेंस, जो ग्राउंड वाटर जो नीचे जा रहे हैं हमारा वो थोड़ा बैलेंस रहेगा, और स्टॉप डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन, मतलब कि जो डिग्रेडेशन हो रहा है और जो पॉल्यूशन जो हो रहा है उसमें भी थोड़ा कमी आएगी। तो दोस्तों ये होता है एसटीपी प्लांट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा है, अब देखो आपसे पूछ सकता है कि एसटीपी प्लांट का जो फ्लो डायग्राम बताओ, ठीक है, फ्लो डायग्राम बताओ। तो बहुत सिंपल, आपको फ्लो डायग्राम को ऐसा बॉक्स में बता देना है। सबसे पहला क्या होता है दोस्तों, रॉ सीवेज, ठीक है, यहाँ पे जो स्क्रीनिंग होती है, मतलब कि एक जाली होती है ना, जैसे हमारे बाथरूम में भी लगी होती है या हमारे ये वॉश बेसन में भी लगी होती है, तो वो क्या करते हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसको अंदर आपके पाइप में जाने नहीं देती है। तो सेम काम यहाँ पे होता है स्क्रीनिंग। एग्जांपल भी दे रहा हूँ दोस्तों कि आप कंपेयर कर सको उससे, ठीक है। फिर आगे जाते हैं तो होता है कलेक्शन टैंक। दोस्तों जितना भी वाटर मतलब जितना भी गंदा पानी आएगा, वाटर आएगा, वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इक्वलाइजेशन मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे एक स्टर किया जाता है, स्टर मतलब मिक्स किया जाता है, जितनी भी चीज़ें इसमें होती है, बहुत सारे कचड़े होते हैं, गंदगी होती है, तो उसको एक तरह का मिक्स करके इक्वल किया जाता है, मतलब कि हर जगह कहीं ऐसा ना हो कि कहीं गाढ़ा कहीं मतलब ऐसा ना हो, पूरा इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ये होता है कलेक्शन टैंक। स्टर किया जाता है किससे दोस्तों, क्या होता है कंप्रेसर यूज़ होता है, जहाँ पर ये बबल्स निकलते हैं, जिसकी वजह से पूरा जो वाटर है वो इक्वल हो जाता है, मतलब कि स्टरर हो जाता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों आगे जाता है प्राइमरी सेटिंग टैंक में। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं होता, मतलब कि पानी डाल के छोड़ दिया जाता है। तो क्या होता है, अगर मान लो कभी हमारे घर में गंदा पानी आया तो हम उसे छोड़ देते, तो क्या हो जाता है कि नीचे एक लेयर बन जाती है और ऊपर आपको साफ पानी दिखता है। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे किया जाता है कि जो भी आप में जो भी रेत होती है, बालू होता है, मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, जो भी होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक, और आपका जो पानी है, जो भी गंदा पानी है, वो ऊपर ही रहता है, मतलब कि जो जिसका वेट ज़्यादा रहेगा वो नीचे हो जाएगा और जिसका लाइट वेट रहेगा वो ऊपर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सेपरेट हो जाता है, ठीक है, दो लेयर में बन जाती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है एरिएशन टैंक। एरेशन दोस्तों यहाँ पे होता है एरोबिक डिग्रेडेशन होता है, मतलब कि दोस्तों क्या होता है कि अब देखो इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, टैंक में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं,
अब इतना याद रखना, कुछ बैक्टीरिया जो ग्रो करते हैं वो एरोबिक कंडीशन में, मतलब कि इन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, और कुछ बैक्टीरिया ग्रो होते हैं इन प्रेजेंट ऑफ विदाउट ऑक्सीजन, मतलब कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ही वो ग्रो होंगे, अगर ऑक्सीजन आ गया तो वो डेथ हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं, तो ये जो कंडीशन है वो है इन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन में, अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो आपके जो बैक्टीरिया है वो फिनिश, ठीक। तो यहाँ पे बैक्टीरिया होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो, तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो बैक्टीरिया को फॉर्म किया जाता है, मतलब कि बहुत सारे बैक्टीरिया यहाँ पे होंगे तो ज़्यादा आपका जो ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको डिकम्पोज किया जा सकता है, मतलब कि दोस्तों इस टैंक में आपका बैक्टीरिया को ग्रो किया जाएगा। बैक्टीरिया को क्यों ग्रो करना चाहिए दोस्तों, अगर बैक्टीरिया ग्रो होंगे तो आपका जो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या आ जाएगा दोस्तों, मान लेते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं आपका जो जो भी आपके जो किचन वेस्ट है उसका मटेरियल हो गया, ठीक है, वो ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो वो ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए आपको जो बैक्टीरिया चाहिए, तो वो बैक्टीरिया ग्रो होंगे किस में, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, वो बैक्टीरिया ग्रो होंगे इन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे लगा होता है कंप्रेसर, ठीक है, नीचे कंप्रेसर लगा रहता है ऐसा, मतलब कंप्रेसर बाहर होता है पाइप के थ्रू, कुछ ऐसा अंदर आपका जाता है और इसमें से निकलते बबल्स, ठीक है, जिसमें निकलते बबल्स। कुछ दोस्तों देखो, आपने फिश टैंक देखा होगा, फिश टैंक में क्या होता है, मछली होती है, ठीक है, फिश टैंक में होती है मछली। तो दोस्तों फिश टैंक में अगर आप ऊपर कवर क्लोज कर दो और आप ऑक्सीजन ना दो, ठीक है, ऑक्सीजन ना दो तो क्या होगा, मछली की डेथ हो जाएगी, फिश की डेथ हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप ऑक्सीजन देते हो तो क्या होता है, इसको ऑक्सीजन मिलता है कुछ। अब यहाँ पे फिश है, यहाँ पे समझ लो आप क्या है कि यहाँ पे बैक्टीरिया है, ठीक है, अब बैक्टीरिया को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इसकी डेथ हो जाएगी। आपको एग्जाम्पल देगा, आपको एकदम याद रहेगा, ये आप कभी नहीं भूलोगे, ऐसा फिश से कंपेयर कर लेना, अगर फिश को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो भी मर जाएगी, बैक्टीरिया को अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो भी मर जाएगा, ठीक है। फिर उसके आगे दोस्तों जाता है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में, यहाँ पर भी कुछ नहीं होता, यहाँ भी सेटिंग किया जाता है, मतलब कि जो सेपरेट किया जाएगा, ठीक है, जो भी आपका ऑर्गेनिक मटेरियल बचेगा उसको आगे पहुँचाया जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आता है जो है क्लोरीन कॉन्टैक्ट टैंक, यहाँ पे ऐड किया जाएगा क्लोरीन को। दोस्तों क्लोरीन का जो रेशियो होता है वो होता है 0.2 mg/L, जीरो याद रखना, 0.2 mg/L, सॉरी 2 mg, ठीक है, पर लीटर, ठीक है, पर लीटर। तो इस कंडीशन में, जबकि टैप वाटर के लिए वो अलग होता है, अगर आपको पता है टैप वाटर के लिए जो जो हमारे घर में आते हैं उसमें कौन से रेशियो में आपका क्लोरीन ऐड होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे क्लोरीन दोस्तों क्या होता है, हम जो जनरल हम अपने लैंग्वेज में जो बोलते हैं उसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर ऐड किया जाता है इसमें। तो उसके बाद दोस्तों आगे आगे फिल्टर आपका, ठीक है दोस्तों, कौन सा फिल्टर आता है मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे आगे हो सकता है दोस्तों यूवी फिल्टर ले सकते हैं, किसी में होता है किसी में नहीं होता दोस्तों, ज़रूरी नहीं सब में हो, ठीक है, वो देखा जाता है कि उसका यूज़ कहाँ होने वाला है, ठीक है, अगर उसको पीने में यूज़ होने वाला है तो RO फिल्टर रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा हो गया आपका एक फ्लो डायग्राम, आप अगर ऐसा बता दोगे तो आपका जो सिलेक्शन के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है व्हाई एयर ब्लोअर इज यूज इन एसटीपी प्लांट। अभी दोस्तों मैंने बताया कि एयर ब्लोअर मतलब कंप्रेसर क्यों यूज करेंगे, कंप्रेसर दोस्तों क्यों यूज करेंगे, अगर कंप्रेसर नहीं यूज करेंगे तो हमारी जो मछली वो मर जाएगी, ठीक है, सिर्फ इतना सिंपल सा है कि हमें क्या करना है, बैक्टीरिया को जिंदा रखना है, इसलिए हमें यूज करना है आपका मतलब ब्लोअर मतलब कंप्रेसर। तो यहाँ पढ़ लेते क्या है कि एसटीपी ब्लोअर इज जनरली यूज फॉर एरिएशन इन द ईटीपी टैंक, ठीक है दोस्तों, मैंने बताया एरिएशन टैंक में होता है, ठीक है। द एसेंशियल फंक्शन ऑफ द एरिएशन ब्लोअर इज द फुलफिल द ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है दोस्तों, एंड मेंटेन द ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड लोएस्ट एस कॉस्ट, मतलब कि इसके अलावा कोई दूसरा प्रोसेस में जाएंगे तो उसका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, तो इसलिए आप ये सिंपल सा ट्रीटमेंट है, सिंपल सा आपका मतलब ऑक्सीजन सप्लाई है, ठीक है। तो आपको मतलब ये एग्जांपल के थ्रू आपको याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज यूज ऑफ एयर कंप्रेसर इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है दोस्तों, आपको मैंने क्या बताया कि कंप्रेसर का यूज होता है सिर्फ एयर को मतलब कि ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है, और एक और केस में बताया था मैंने, वो बताया था स्टरर करने के लिए, मतलब मिक्सिंग करने के लिए, कहाँ पे, यहाँ पे इक्वल कलेक्शन टैंक में, ठीक है। तो यहाँ पे दो जगह यूज होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
कि वाई एयर डिफ्यूज़र इज़ यूज इन एसटीपी प्लांट। दोस्तों मैंने बताया कि कंप्रेसर यूज़ होता है और कुछ इस तरीके से पाइप नीचे की तरफ रहता है टैंक में, कुछ इस तरीके से जाल बनी रहती है, ठीक है। तो इसमें जो एयर डिफ्यूज़र है वो डिफ्यूज़र क्यों यूज़ होता है? तो डिफ्यूज़र दोस्तों इसलिए यूज़ होता है ना, क्या होता है मालूम क्या, जो पाइप होता है ना, पाइप के ऊपर एक कोटिंग होती है, ठीक है, रबर मटेरियल की कोटिंग होती है और रबर मटेरियल में स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होता है कि आपका जो ये एयर है वो बबल्स के फॉर्म में आपका जो प्लांट का जो टैंक है उसमें जाता है। तो दोस्तों अगर मान लो कि कंप्रेसर हमने बंद कर दिया, ठीक है, तो अगर ये नहीं होगा तो पाइप्स के अंदर क्या क्या जाएगा, आपका मटेरियल जाएगा और इसको चुप कर देगा, ठीक है, इसको पैक कर देगा, तो आपका फिर एयर नहीं निकल पाएगा। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए आप लगाते हो ये डिफ्यूज़र, इतना सिंपल सा है। तो आप इसको समझ लेना कि कैसे ये काम करता है। ये दोस्तों नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक बार पढ़ लेना है। व्हाट इज बीओडी? दोस्तों बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्या होता है और कैसे मेजर करते हैं इसे, ठीक है, मेजर कैसे करते हैं वो बताऊंगा आपको। और ये होता क्या है? तो ये होता है दोस्तों, रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन कंज्यूम बाय बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म व्हेन दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। दोस्तों होता क्या है, जब डिकम्पोज करने के लिए क्या चाहिए आपको, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन सप्लाई अगर मान लो यहाँ पे ज़्यादा हो गया, एक मिनट, यहाँ पे ज़्यादा हो गया आपका, यहाँ पे मतलब सेकेंडरी ट्रैंक में आते वक्त ज़्यादा हो गया, यहाँ पे ज़्यादा मिलने लगा हमें, तो क्या समझ में आएगा कि बैक्टीरिया फॉर्म नहीं हो रहे, मतलब बैक्टीरिया मर रहे हैं, ठीक है, तभी ना ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है उसे वापस से इस टैंक में डाल देते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जैसे आपने दही देखा होगा, दही में क्या करते हैं कि थोड़ा सा दही लेते हैं और दूध में डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इतना सा बैक्टीरिया हम डाल रहे हैं उसमें, ठीक है, उसका फर्मेंटेशन करने के लिए, ठीक है, और वो दही बन जाता है फिर बाद में। तो कुछ इसी तरीके से अगर वो थोड़ा सा दही नहीं डालेंगे तो दही फॉर्म नहीं होगी। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे अगर बी ओ डी यहाँ पे ज़्यादा मिलने लग गया, ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे जो आपका जो बैक्टीरिया है वो डेथ हो रही है उसकी, वो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, सिंपल सा इतना है। और ये ख़त्म होंगे तो क्या होगा, आपका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो डिकम्पोज आपका नहीं होने वाला है। तो इतना सिंपल सा था बस, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे व्हाई ACF इज यूज इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। ACF दोस्तों क्या होता है, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। दोस्तों आपने अपने घर में देखा होगा कि जो फिल्टर होता है उसमें एक चारकोल लगा होता है, ठीक है, चारकोल लगा होता है जो फिल्टर करते हैं। दोस्तों उसका काम क्या है, उसका काम है जो भी आपका जो बैक्टीरिया है, जो भी आपका मतलब कि क्लोरीन है, ऑर्गेनिक मटेरियल, जो भी आपका गंदा चीज़ें आती है उसको फिल्टर करने का काम है, उसको एब्जॉर्ब करता है। तो दोस्तों कार्बन जो है वो एब्जॉर्ब करता है किसको, यहाँ पे क्लोरीन को, ऑर्गेनिक मटेरियल को और आउटर मतलब कि जो बदबू होती है उसको, ठीक है, एंड कलर प्रेजेंट इन द रॉ वाटर एंड वेस्ट वाटर, ठीक है। तो ये एक फिल्टर है दोस्तों जो यूज़ किया जाता है आपका एसटीपी प्लांट में। दोस्तों आज की वीडियो में इतनी था, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।